एलएसी पर चीन के विश्वासघाती चेहरे को तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको चीन की क्रूरता के सैटेलाइट सबूत दिखाएंगे। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को मिटाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे, उसी तरह चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ री एजुकेशन कैंप बनाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में उइगर मुसलमानों को टॉर्चर करने वाले कैंप्स का पूरा नेटवर्क बनाया है। आज तक ने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जो ये बताती हैं कि चीन ने किस तरह उइगर मुसलमानों के सारे अधिकार छीन लिए हैं और उनके अस्तित्व पर ही पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर भी अमेरिका का निशाना चीन पर है। चीन कहता है कि वो उइगर समुदाय को चीन के तौर तरीके सिखा रहा है, लेकिन दुनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मानव इतिहास की सबसे बड़ी विनाश लीला द होलोकॉस्ट, जब सोवियत रूस में हुआ था नरसंहार और जबरदस्त विध्वंस। अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे। जोसेफ स्टालिन ने लाखों मजदूरों को अमानवीय यातनाएं देते हुए कुख्यात लेबर कैंप्स यानी गुलैग्स में बंद कर दिया था। पिछली शताब्दी के उस काले अध्याय का असर आज भी दिख रहा है। आधुनिक चीन में यह काला इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह सब हो रहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में। चीन ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कैंप्स का पूरा नेटवर्क बनाया है। शिनजियांग प्रांत के पश्चिमी हिस्से में बना कैंप्स का यह नेटवर्क उइगर मुसलमानों के अस्तित्व पर संपूर्ण नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया गया है। आज तक ने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है और इन तस्वीरों में चीन के क्रूर चेहरे की झलक साफ दिखाई देती है। चीन ने कई हाईटेक कैंप्स बनवाए हैं, लेकिन ये स्टालिन के गुलैग सिस्टम के तहत बनाए गए लेबर कैंप्स से। This province has been subject to an unprecedented campaign of internment, sending between 1 and 2 million adults into internment camps in order to indoctrinate them. This evidence points towards a systematic policy and campaign of subjecting Muslim minorities who have too many children to internment camps, punishing them with internment, punishing them draconically with all kinds of other consequences, subjecting at least 80% of women of reproductive age to long-term effective birth control surgery. चीन में 10 लाख से भी ज्यादा उइगर मुसलमान इन कैंपों में बंद हैं। इन दीवारों के पीछे उइगर मुसलमानों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के कसीदे पढ़ने पड़ते हैं। उन्हें चीन की सरकार के प्रति पूरी आस्था दिखानी पड़ती है और उन पर अपने धर्म को त्यागने का दबाव हमेशा रहता है। हमने जिन सैटेलाइट तस्वीरों का आकलन किया, उनसे यह पता चलता है कि चीन के इन टॉर्चर कैंप्स में अधिकतम 5 मंजिलें होती हैं। ये कैंप विशाल दीवारों से घिरे होते हैं। इनके बाहर गार्ड्स की पोस्ट होती है। वहां 2 परत वाली तारों की ग्रिल होती है, जो 15 फीट तक ऊंची होती है। लाल छत वाले इन बैरक्स में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है। इन तस्वीरों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वाहन भी दिख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे चीनी सेना के दिशा निर्देशों और आदेशों के आधार पर आगे बढ़ा है। इन कैंपों को तेजी से बनाने के लिए मॉड्यूलर डिजाइन तैयार किया गया है और इसके निर्माण का काम 2 महीने के अंदर होगा। Crackdown on excessive quote unquote births in minority regions is part of its policy to try to control the Uyghurs. Populations that do not grow as quickly and rapidly are easier to control as part of Beijing's coercive social re-engineering strategy in the area. चीन की सत्ता पर बैठे लोग मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए इन डिटेंशन सेंटर्स को री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। यानी चीन की सत्ता टॉर्चर के आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि वो उइगर मुसलमानों को चीन के तौर तरीकों के हिसाब से शिक्षित कर रहे हैं। हालांकि चीन ने इस क्षेत्र में इस्लाम पर जो हमला किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। शिनजियांग में उइगर मुसलमान अपने बच्चों के नाम धार्मिक आधार पर रखते हैं तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। वहां मोहम्मद, इस्लाम, इमाम, सज्जाद, हज, मक्का और मदीना जैसे नाम रखने पर पाबंदी है।
चीन की कम्युनिस्ट सत्ता मस्जिदों से मीनार और गुंबद हटाने का आदेश दे चुकी है। ये चीन में पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला पर भी एक बड़ा हमला है, लेकिन बाहर की लोकतांत्रिक दुनिया चीन की इन हरकतों से इत्तेफाक नहीं रखती। चीन उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है उसे अमेरिकी प्रशासन ने पूरी शताब्दी का सबसे बड़ा दाग कहा है, और ये भी कहा है कि दुनिया को ये दाग मिटाना होगा। आज तक ब्यूरो। अब आपको खबर की पूरी पिक्चर समझा देते हैं। चीन के लिए उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का मतलब है शिनजियांग पर पूरा नियंत्रण। शिनजियांग 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान हुआ करता था। इसे एक अलग देश के रूप में कुछ समय के लिए पहचान भी मिली थी, लेकिन बाद में ये चीन का हिस्सा बन गया और उइगर मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। चीन इसलिए शिनजियांग के जनसंख्या वितरण का गणित बदलना चाहता है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार शिनजियांग प्रांत की जनसंख्या करीब 2,21,00,000 है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन अब इस क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की आबादी आधी से कम है। यहां ये भी समझिए कि चीन के लिए शिनजियांग महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी कई वजहें हैं। शिनजियांग में प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल गैस का भंडार है, और शिनजियांग की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। शिनजियांग चीन के लिए मध्य एशिया का द्वार है। शिनजियांग की सीमा 8 देशों से लगती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान और भारत। चीन शिनजियांग को आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्र बनाना चाहता है, और यह भी चाहता है कि वहां विद्रोह के हालात कभी पैदा न हो। शिनजियांग में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीन से अलग होना चाहते हैं। चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से आंदोलन चला रहे हैं, और चीन चाहता है कि विरोध की इन आवाजों को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए, इसीलिए बाकायदा कैंप बनाकर टॉर्चर किया जा रहा है।